पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी राम भद्राचार्य जी आज इस महोत्सव के हम लोगों के बीच में अपने उत्तर प्रदेश के इस संकल्प के साथ कि देश को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए, प्रदेश को पूरे देश में नंबर एक बनाने के लिए 2014 में अगर हमने 73 सांसद देने का काम किया है तो 2019 में हम 80 के 80 सांसद मोदी जी को नेतृत्व में देने। महाराज आज जो है उप मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बदलापुर में एक ITI का शुभारंभ किया है, ITI का शिलान्यास किया है और ITI के साथ साथ एक रोडवेज बस अड्डा और तीसरा जो है उन्होंने यहाँ पर जो है एक क्या नाम है फायर स्टेशन का शुरुआत किया है, शुभारंभ किया यानी ITI फायर स्टेशन और बस स्टेशन का शुभारंभ हुआ और लगभग 20 करोड़ रुपए की नई परियोजना जो सड़कें हमारी थी 20 करोड़ की उसमें कुछ जो है शिलान्यास हुआ है, कुछ का उद्घाटन हुआ है। और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोग को उप मुख्यमंत्री जी ने चक्रियावा घाट जिसका हमेशा मीडिया में निकलता रहता है आज उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दिया कि चक्रियावा घाट भी बनेगा। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए की परियोजना हमारे बदलापुर को मिला है।